यस बेटे, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है ये अगेन क्लास 10th की एक्टिविटीज के ऊपर है। क्लास 10th के अंदर हम करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में चार तरह के रिएक्शंस होते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन कौन से बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, इसके लिए हमें दो केमिकल्स की जरूरत होती है। ये हमारी बुक की एक्टिविटी नंबर है 1.10। तो वो हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प कर रहे हैं बच्चों आज। तो ये जो है ना, ये इसके पास बेरियम क्लोराइड एक सोल्यूशन है। बच्चों ये कौन सा सोल्यूशन है? बेरियम क्लोराइड। और ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट। दिस इज बेरियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम सल्फेट। अब बेटा जब ये मिलेंगे ना, जब ये दोनों केमिकल एक दूसरे से मिलेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा और ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बेरियम सल्फेट पानी में घुलता नहीं है। बेरियम सल्फेट पानी में घुलता नहीं है और उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को हम जोड़ेंगे और हमें क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये देखो बेटे, ये देखो बेटे, ये किसका प्रेसिपिटेट है? ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है। किसका प्रेसिपिटेट है ये बेटा? बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है। ये क्या था? ये सोडियम सल्फेट है और ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेटा क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस को? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। क्या हो गया बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, ये बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन व्यू वॉचिंग माई चैनल, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।